तो मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया है पनीर, और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है, और बस दैट्स इट। और बहुत बारिश हो रही थी, 2 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, फटाफट से मैं अपना काम कर लूँगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी सुबह के टाइम हो रहा था, तो मैंने जस्ट उठी थी और मैंने फटाफट से सुबह पहले झाड़ू लगा लिया था, और झाड़ू लगाने के बाद ही मेरे घर में कोई काम होता है, उसके बाद मैं आ गई थी ब्रश करने। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और मैं तो पूरा भीग गई थी, छतरी भी काम नहीं करती, तो ये देख सकते हो मेरा पैर मेरा कपड़ा भीग गया है। उसके बाद से मैं आई तो मैंने चाय बनाया, और मैंने पहले ही दाल भिगो के रखा हुआ था, तो ये अरहर का दाल है, तो उसको जितने देर आप भिगो के रखो उतना गाढ़ा बनता है ये, और जल्दी हो भी जाता है, तो मैंने फटाक से इसको भिगो के रखा हुआ था। और आज मैं बनाने वाली थी सतपुते की सब्ज़ी, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाया जाता है, और बहुत इजी ट्रिक होती है, तो मैं फटाफट से आप लोगों को बताऊंगी कैसे बनाना है इसको। उसके बाद थोड़े देर बाद मेरा चाय हो गया था, तो ये देखो आप लोग, तो आओ आप लोग भी चाय पी लो। तो उसके बाद चाय हो गया था, तो फिर मैंने उसको चाय को छान के और जिसको जिसको देना था मैंने उसको दे दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं बस चाय हो ही गया है, मैं बस छान कर देने वाली हूँ। तो उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे चाय रेडी हो गया, तो आप लोग भी पी लो। और ठंडी के मौसम में, सॉरी ठंडी नहीं मतलब बरसात के मौसम में चाय बहुत ही अच्छा लगता है पकौड़ों के साथ। तो मैं यहाँ पे सतपुते की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने डाला था सरसों का तेल, तो मैंने थोड़ा सा हींग डाला था, और मैंने डाला था कटी हुई हरी मिर्च। तो जैसे ही हरी मिर्च फ्राई हो जाएगी थोड़ी सी, तो हम उसमें अपना सतपुतिया कट करके ऐड कर देंगे। तो मेरी मिर्च हो गई थी जस्ट थोड़ी थोड़ी सी, तो मैंने उसमें सतपुतिया ऐड कर दिया है, और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन भी मिलते हैं हमारी बॉडी को। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और स्वाद अनुसार नमक, बस इतना ही डालना है इसमें, और कुछ नहीं डालना है। और इसको पकने में बस 7 से 8 मिनट लगता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो मैंने बस इसको ढक दिया था, और इधर मैं आ गई थी दाल चढ़ाने, तो मैंने दाल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला था, और मैंने इसको चढ़ा दिया था गैस पे। उसके बाद मैं थोड़ी देर में सब्ज़ी चेक कर लूँगी ताकि मेरी सब्ज़ी जल ना जाए। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे आटा गूंथ, क्योंकि आज मैं सुबह इसलिए ले फटाफट से काम कर रही हूँ क्योंकि सुबह पापा को जाना था, तो मैंने आटा गूंथ लिया है, और जस्ट मेरी सब्ज़ी भी हो ही गई है। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा भी पानी है इसमें, मैं थोड़ा सा उसको सिखा दूँगी। उसके बाद थोड़े 2 मिनट बाद मैंने वापस से चेक किया, तो मेरी सब्ज़ी हो गई थी। तो फिर मैंने उसको फटाफट से देख लिया, और थोड़ी सी मेरी सब्ज़ी लग भी गई थी आप सबसे बात करने के चक्कर में। तो फिर मैंने सब्ज़ी बना ली, और उसके थोड़ी देर बाद मैं वापस से आई हूँ बाहर, तो मैंने देखा वापस से बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी, और 2 दिन से पूरी बारिश ही हो रही थी, इसी वजह से मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया। और पूरा देख सकते हैं अंधेरा छा गया, जैसे लग रहा है रात का मौसम है। तो इतनी बारिश की बारिश की वजह से अब हाल बेहाल हो गया है, और 8:30 हो रहा था टाइम, और इसके साथ इतनी बारिश होती थी। और ये किस किस के साथ होता है यार, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जब भी मैं दाल बनाती हूँ मेरे साथ पचका जरूर होता है, हमेशा मेरा दाल गिर जाता है, पता नहीं कैसे यार। तो बस मैं वही क्लीन कर रही थी, और बहुत ही गंदा लगता है बिना साफ किए कुछ बना भी नहीं सकते। तो मैंने डिनर में बनाया था पनीर की सब्ज़ी, तो ये आप लोग देख सकते हैं। पनीर को मैंने कट कर लिया है, और मैंने लिया था 2 प्याज, 2 टमाटर, थोड़े से लहसुन और लाल मिर्च, मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया।
पनीर को मैंने कर लिया फ्राई, सैलो फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई नहीं किया है मैंने। कढ़ाई में डाला मैंने सरसों का तेल, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, तो और जीरा जैसे ही मेरा चटक जाएगा तो मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। तो मेरा जीरा चटक गया था तो मैंने जो मैंने पेस्ट तैयार किया था मैंने वो ऐड कर दिया। तो ये देख सकते हो मैंने पूरा पेस्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से 2 मिनट तक भूनूंगी। तो मैंने गैस को हाई पे कर दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्याज टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन गया है, इसमें तेल भी सेपरेट हो रहा है किनारे किनारे, आप देख सकते हैं। तो मैंने डाला इसमें हल्दी और मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक और मैंने थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाला था कलर वाला, दैट से इतना ही डालना है। और गरम मसाला तो मैंने घर पे होममेड गरम मसाला डाला था, तो इसमें सब कुछ था, धनिया, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, सब कुछ था। इसकी रेसिपी आप लोग मेरे चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। तो उसके बाद फिर मैं डाल के उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया, 2 मिनट भून दिया। अच्छे से जब भून गया है तो मैंने इसमें अब पानी ऐड किया है। तो आप ग्रेवी अपने अनुसार रख सकते हैं, गाढ़ा या पतला जैसा भी आपको रखना है। तो मैंने थोड़ा सा और पानी मैं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने अच्छे से पानी ऐड कर दिया है जितना मुझे ऐड करना था। उसके बाद से मैं बॉईल आने दूँगी। जैसे अच्छे से बॉईल आ जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे अपने पनीर के क्यूब्स। तो मैंने अपने इसमें पनीर ऐड कर दिया और थोड़ा सा हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग देख भी सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में टेम्पटिंग लग रहा है। तो और मैंने इसको थोड़ा छल दिया, मैं वापस से ढक्कन लगा के बस 1 मिनट के लिए और पकने दूंगी और दैट्स इट्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।